अलेबरन आप जामिया बोलते हैं, इस वक्त मौजूद हूँ जामिया इस्लामिया के 7 नंबर गेट जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी बीच मुनव्वर राना के नो साहबजादी आई में यहाँ पर जामिया इस्लामिया स्टूडेंट को लौटे हैं। स्पेशली आप जानते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस स्पेशल यूपी पुलिस इनके साथ बिहेव कर रहा है, उनके ऊपर FIR कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे यूपी पुलिस आपसे आपके खिलाफ पुलिस षडयंत्र रच रही है, खासतौर पर योगी जी ने FIR वगैरह करवा दिया है, आप जिसे फातिम से योगी जी क्यों डर रहे हैं? देखिए जुर्म की क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये खवातीन वो क्रांति लाने वाली हैं, इन खवातीन से नहीं डर रहे हैं, इनके जज्बे से इनके हौसले से टूट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र से लेकर और सूबे उत्तर प्रदेश तक जो ये जुल्म और सितम की सरकार चला रहे हैं, जो तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, इनको डर है कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाली, इसका खात्मा होने वाला है, कि वो डर है जो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और योगी आदित्यनाथ जी को की नींदें उड़ा चुका है और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। इस NRC का जो ये इन्होंने मुद्दा छेड़ दिया है, CA को एक्ट बना दिया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NPR का जो इन्होंने शोषा छोड़ा है, ये जब तक वापस नहीं हो जाएगा ये आंदोलन सड़कों सड़कों और पर चलता रहेगा। ये आवाम में जो उबाल है वो इसके खिलाफ। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन सड़कों पर बैठाई जा रही है, जैसा कि उनका टोन गलत लफ्ज़ों का सा कहना है और ख़ासतौर पर कह रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो घरों में रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं, इस तरह का टोन को आप एज बीइंग वुमेन हैं और ख़ासतौर पर जो योगी जी उनकी विवादित बयान आपने पहले भी सुना अभी भी दे रहे हैं, ऐसे मानसिकता वाले पुरुषों को क्या कहेंगे? देखिए योगी जी बहुत सारे बयान दे चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन अब इस वक्त वो जिस ओहदे पर हैं, जनता ने उनको अपना स्नेह दिया, वोट दिया, चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, मुझे नहीं लगता इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनको यूज़ करनी चाहिए थी। ये महिलाओं का अपमान है, वो सरकार का प्रधानमंत्री वो सरकार का चीफ CM ये करता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात करती है 3 तलाक के मामले पर, आज उसी सरकार का एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देता है, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ये सब कुछ शोभा देता होगा, इनको अपने अपने इस बयान पर विचार क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कोई इंसान होता है मुकम्मल इंसान माना जाता है जिसकी शादी ब्याह होता है और इमोशन भी जानता है फैमिली परिवार, क्या ऐसे कोई लोग हैं जो कि दूसरे की माओं का दूसरे के बेटियों का दूसरे की बहनों का इज्जत ना करना चाह रहे हैं और इस तरह कमेंट देना चाह रहे हैं, स्पेशली जो आप देख रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, एज लाइक गलत गलत बयानबाजी साइन बाग से लेकर लखनऊ से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ खवातीन जो प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ एक षडयंत्र रचा जा रहा है, ऐसे मानसिकता के लेकर क्या सोचना है? देखिए इस जो जिस तरह के बयान विवादित बयान मुस्तकिल BJP की सरकार देती है, उनके जो भी मंत्री हैं वो देते रहते हैं, इसके लिए शादी करना या परिवार होना ज़रूरी नहीं है, वो एक साधु संत उस जगह से कभी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए ये उनकी जहनीत की गलत है, जहन को साफ करना चाहिए और माँ बहनों की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको जनता ने चुन के सूबे का सरकार बनाया है, वो जिस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। अच्छा, ये घंटाघाट पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, कब तक आप लोग एहतजाज करेंगे वहाँ पर? पूरी दुनिया में हो रहा है, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक इसी तरह पूरा मुल्क सड़क से ही रहेगा। अच्छा, एक और आप में जैसे कि आपके अबू जान जो हैं शायर हैं मनोवर हैं, पूरा दुनिया जानता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि है और आप लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खून है, इंकलाबी खून है जो निकल रहा है, सरकार लगातार आपके साथ जो कि FIR कर रही है दबा रही है, क्या आप ऐसे सरकार से डर रही हैं या और आगे आगे बढ़ेंगे क्रांति करने के लिए? देखिए जब से साहित्य अकेडमी अवार्ड पापा ने वापस लिया तब से सरकार कहीं ना कहीं अपनी वो निकालती रहती है, बड़ा सो निशाने पर रहती है, लेकिन ये कहना कि सरकार से डर जाएंगे उनके इन हथकंडों से हम हार जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आंदोलन के लिए हम सड़कों पर निकलते हैं, जब कोई क्रांति लाने के लिए सड़कों पर निकला जाता है तो ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं हम कि हमारे खिलाफ मौजूदा सरकार ये सब कुछ करेगी और वो कर भी रही है, लेकिन वो जैसे जैसे हम पर जुल्म सितम बढ़ा रही है हमारा आंदोलन और तेज़। एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से लोग हर तबका हर कौम के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ासकर स्टूडेंट जो सड़कों पर हैं उसमें गर्ल्स स्टूडेंट हो बॉय हो ख्वातीन हजरात हो, उन्हें आप क्या कहेंगे जो हर कम्युनिटी हर रिलीजियस का है, उन्हें क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें ही सारी चीज़ें सिमट करके आ जाती हैं, मुख्य 5 चीज़ों में है कि हमारी एकता, अनेकता में एकता हमारे मूल की खूबसूरती है और ये कौन होते हैं हमें हिंदुस्तानी साबित करने कराने वाले, तो ये जो सपोर्ट है ये इस इनके जो ये
तुगलकी फरमान जारी किया है, ये तानाशाह सरकार नहीं है, उसके खिलाफ है। और ये एकता बता रही है कि किसी ये एक समुदाय विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मुल्क की लड़ाई है जो इस फरमान के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ मुनव्वर सरकार, जो स्पेशली जो साहित्य अवार्ड उनको मिला था उन्होंने वापस कर दिया। स्पेशली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त खुशी तौर पर इनका इंटरव्यू कर किया था, जिस तरह से योगी पुलिस ने इनके साथ FIR किया है और इन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग घंटा घर पर फुटेज लगातार करते जा रहे हैं। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, मैं मोहम्मद असली।